नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बीपर और जय पूर्वोत्तर अरब सागर पर पिछले 6 घंटों के दौरान प्राय उत्तर पूर्व दिशा में 8 किमी प्रति घंटे की गति करते हुए 15 जून 2023 को भारतीय समयानुसार 11:30 बजे जगाऊ बंदरगाह से 140 किमी पश्चिम दक्षिण पश्चिम देवभूमि द्वारका से 190 किमी पश्चिम उत्तर पश्चिम नलिया से 170 किमी पश्चिम दक्षिण पश्चिम पोरबंदर से 280 किमी पश्चिम उत्तर पश्चिम और कराची से 230 किमी दक्षिण में स्थित था। इसके उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने और 15 जून 2023 की रात्रि तक एक अति प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में 140 किमी प्रति घंटे के वायु झोंके 125 किमी प्रति घंटे के निरंतर धरतलीय पवन गति के साथ सौराष्ट्र कच्छ और उससे लगे पाकिस्तान के तटों में मांडवी एवं कराची के मध्य जगाऊ बंदरगाह के पास पार करने की संभावना है। तट को पार करने की प्रक्रिया आज 15 जून की शाम से शुरू होगी और मध्य रात्रि तक जारी रहेगी। भारत मौसम विभाग के अनुसार पीपर और जय के अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में जखो बंदरगाह के पास टकराने का अनुमान है। चक्रवात पीपर और जय गुजरात तट से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। अधिकारियों ने बताया है कि चक्रवात के बृहस्पतिवार शाम तक गुजरात तट से टकराने और क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका है।